गुलबर्गा शहर में SDPI की जानिब से मेंबरशिप कैंपेन पोस्टर लॉन्च कर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ और खासकर 9 मुस्लिम MLAs के खिलाफ बयान जारी कर SDPI को मजबूत करने की गुजारिश की गई है। इस मौके पर SDPI स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कुल्लीपेट और दीगर स्टेट बॉडी और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। प्रेस मीट के जरिए अफसर कोल्लीपेट ने कहा, इलेक्शन में कांग्रेस ने मुसलमानों को BJP से डराकर वोट हासिल किए हैं और आज हुकूमत में आने के बाद से लगातार कांग्रेस मुसलमानों को नजरअंदाज करती आ रही है। SDPI से अफसर कोल्लीपेट ने कहा, कर्नाटका में RSS और बजरंग दल के लीडर्स ने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ गंदे और बेहुदा बयान जारी किए हैं, लेकिन 9 मुस्लिम MLAs में से किसी एक ने भी मुसलमानों के हक में आज तक आवाज़ नहीं उठाई है और ना ही माइनॉरिटी बजट 2B रिजर्वेशन जैसे इश्यूज पर बात किए हैं। अफसर कोल्लीपेट ने कहा, SDPI वाहिद एक ऐसी सियासी जमात है जो मुस्लिम दलित और दीगर मजलूम कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाती आई है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewelry Road. Admission are open, contact for details. हमारे इस membership campaign के लिए जो हम लोग यहाँ पर press conference कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अफसर कोल्लीपेट साहब का और साथ ही साथ हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर जनाब अब्दुल मजीद तुम्बे साहब का और स्टेट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहीम पटेल साहब का और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सैयद दस्तगीर साहब का और यादगिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे बागलकोट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और इसी के साथ साथ हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए और मीडिया पर्सन्स का तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और आगे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से बात करने के लिए जनाब अफसर कोल्लीपेट साहब को दावत है। सभी आवाम को एक ज़रूरी इत्तला देने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुनाकिद किया गया है। कर्नाटक में जो सियासी हालात हमारे से गुज़र रहे हैं सब आपके आंखों के सामने है। ख़ास करके SC ST माइनॉरिटी OBC पर इन पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी जो उम्मीदें थे वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए जो कांग्रेस हुकूमत 6 मंथ्स पार करके 7 मंथ्स को ख़दम रख चुकी है, एक भी माइनॉरिटी के इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। हालांकि हमें बहुत उम्मीदें थे बिफोर जो BJP जो नफ़रत की सियासत के चलते जो भी एंटी पीपल एंटी माइनॉरिटी एंटी दलित पॉलिसीज लेके आई थी, इससे एक छुटकारा मिलेगा। आइंदा आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, ये मानते हुए इन मास होकर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इतने लार्ज नंबर्स में सिंगल पार्टी को कर्नाटक के माइनॉरिटीज SC ST OBCs हम तायिद करे थे, लेकिन वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब जो वादे बिफोर इलेक्शन हमारे से किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसे कौन से वादे उन्होंने किए थे, ऐसा कौन सा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा यही बीदर की सरजमीन से सिद्धरामैया साहब करे थे, अगर हमारी कांग्रेस की हुकूमत आई तो BJP की हुकूमत के दौरान नफरत के सियासत के चलते जो 2B रिजर्वेशन 30-40 साल से हमारा 2B रिजर्वेशन हुकूक था, जो हक था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, हमारे इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड की वजह से जो रिजर्वेशन दिया गया था इसको रिस्टोर करने का वादा उन्होंने किया था। BJP जो हुकूमत इसको मंसूख कर चुकी थी, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हम इसको रिस्टोर करेंगे बोल के वादा करे थे। आज तक 15 से 16 कैबिनेट मीटिंग हो गए, एक सिंगल कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा तक नहीं आया। और दूसरा वादा इन्होंने किया था, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपीज हम रिजर्व करेंगे, तो आज तक वो 10,000 करोड़ रुपए के बारे में कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं, बजट में कहीं भी तस्गीरा नहीं। इसमें सिर्फ 2,100 करोड़ रुपए का एक वादा इन्होंने किए हैं। इसी तरीके से SC ST माइनॉरिटी OBCs की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्नाटक में
कांतराजू जो कमीशन की रिपोर्ट है वो बहाल करेंगे। अगर वो कमेटी की रिपोर्ट बहाल की जाएगी तो हमारी तादाद के हिसाब से आइंदा आने वाले बजट हो या आइंदा आने वाले गवर्नमेंट की स्कीम हो ये बनेंगे, तो उसको भी इन्होंने अभी तक नहीं किया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज कर्नाटक में एक कैंपेन को हम लॉन्च किए हैं। ये कैंपेन का नाम है कि बावकार सियासत के लिए SDPA के साथ जुड़ो। तो कर्नाटक के SC ST माइनॉरिटी OBCs और कितने दिन ये गुलामी की सियासत करेंगे, आओ हम सब मिलकर बावकार जिंदगी के लिए, हमारी वखार की जिंदगी अगर हम कायम करना चाहते हैं तो अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करो, हम ये गुलामी की सियासत से बाहर आएंगे। और एक बात भी है, क्यों हम ये कैंपेन ये टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता है पिछले 15-20 दिनों से एक एंटी मुस्लिम वेव चल रहा है कर्नाटक में। RSS बजरंग दल के लीडर बिला झिझक ललकार रहे हैं हमारे औरतों के बारे में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के शरीयत कानून के बारे में ललकार कर स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन 9 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ये कांग्रेस की हुकूमत में हैं, एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इसके बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। बाबरी मस्जिद का इश्यू आता है, राम मंदिर का इश्यू आता है, तो शर्म आती है हमें, कांग्रेस का एक MLA अलग ऐलान बयान देता है, मैं अपने घर में राम मंदिर की भी पूजा करता हूं, अल्लाह की भी इबादत करता हूं। क्या आपका जमीर गवारा नहीं देता? आप राम मंदिर को पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, तो मानो, हमें कोई उसके बारे में दो राय नहीं है। अगर आप उसके बारे में जाना है तो जाओ, लेकिन आपको जो वोट डालकर जिताए लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो नफरत की सियासत के जो चर्चे चल रहे हैं, इसके खिलाफ कभी आप असेंबली में आवाज उठाए हैं? मुस्लिम बजट के बारे में कभी आप आवाज उठाए हैं? टू बी रिजर्वेशन रिस्टोर के बारे में आप कभी आवाज उठाए हैं? तो ये हर एक मुस्लिम नुमाइंदों की ये हालत ऐसी है, अगर वो उनके पार्टी में बात करेंगे तो उनकी पार्टी में उनकी इज्जत नहीं है, अगर वो बात करेंगे तो उनको नोटिस के जरिए से डराया जाता है, अगर वो बात करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको B-Farm नहीं मिलेंगे। अरे आपको इसका खौफ होगा, आप बने हैं MLA बनने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के, खास करके कल्याण कर्नाटक के आवाम को एक मैसेज देना चाह रही है, जिए तो हम इज्जत से जिएंगे, अगर जिए तो इज्जत से जिएंगे, क्योंकि ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है। इस मुल्क को आजादी के लिए जितना खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है, शायद के कोई दूसरी कम्युनिटी वाले बहाए हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, यहाँ के कुदरती वसाइल हो, यहाँ के गवर्नमेंट हो, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ के पावर में बराबर का हिस्सा हमें लेना है, वो हिस्सा लेना है तो एक ही रास्ता बचा है, अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को हमें मजबूत करना पड़ेगा, वरना गुलामी की सियासत करते करते हमारी नस्ल भी खत्म हो जाएगी, हमें कोई हमारे राइट्स देने वाला नहीं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 14 ईयर्स से ऑल ओवर इंडिया, खास करके कर्नाटक में ये जो वखार की सियासत करते करते 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को CMC TMC कॉर्पोरेशन ग्राम पंचायत में जिताने में हम कामयाब हुए हैं। हम पसमानदा तबकात को पावर की ओर लेके जाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा हाथ जोड़ो, हमारे साथ जुड़ो। हमारा मेंबरशिप ड्राइव है, ये मेंबरशिप ड्राइव में सिंपल तरीका है, आपको इस पार्टी में आकर जमना है तो आपका एक इन्वेस्टमेंट करते हुए यहां पर आना है। 20 रुपए हमारा मेंबरशिप फीस है, 20 रुपए फीस देकर हमारे पार्टी के मकसद को समझकर हमारा हाथ मजबूत करो, आइंदा आने वाले दिनों में जरूर आपके हुकूक के लिए हम ये प्लेटफॉर्म से नुमाइंदों को जिताने की हम कोशिश करेंगे, और ये नफरत की सियासत को, ये गुलामी की सियासत को एक रद्दो बदल में एक बावखार सियासत करने का एक मौका आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फराहम कर रही है, इसको सही इस्तेमाल करो, इसको मजबूत करो, हम सब मिलकर कर्नाटक को मजबूत करेंगे, माइनॉरिटी SC ST OBCs को भी मजबूत करेंगे, इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे। तो ये डिमांड रखते हुए हम ये कैंपेन को छेड़े हैं, ये कैंपेन को शुरू किए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं
आप सभी लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सभी लोग ये पार्टी के मकसद को समझो। हमारा मकसद है सबको बराबरी मिलना, जो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होना है। तो यहाँ पर यह खास कम्युनिटी को पॉलिटिकली अपलिफ्टमेंट करने से, पॉलिटिकली डेवलपमेंट करने से परेस कर इनको डिप्रेस करते हुए, इनको नीचे लेवल पर रखते हुए जो सियासत कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमें ऐवानों में जाना पड़ेगा, हमें पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाना पड़ेगा। अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल को भी ये गुलामी में ठेल देंगे। तो इससे परहेज कर हम एक हमारी सियासत को मजबूत करेंगे। तो पूरे कांग्रेस, JDS और जितने भी सेक्युलर मेंटालिटी रखने वाले जितने भी लीडर्स हैं, उनको भी हम अलल ऐलान ये हम यहाँ से इन्वाइट करते हैं, आ जाओ, हम सब मिलकर एक वखार की सियासत करेंगे। हम एक क्या बोलते हैं, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करेंगे। यहाँ अगर आप आएंगे, बिला झिझक आप बात कर सकते हैं। कोई भी अगर कोई किसी के हुकूक को छीना जा रहा है, उसके हक में ठहर कर आप बात कर सकते हैं। आपको यहाँ नोटिस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बनाई है ये पसमानदा तबकात के, उनके हुकूक को लेने के लिए, हुकूक को दिलाने के लिए। तो मैं लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कल्याण कर्नाटक के बाद ये इलाके के अवाम से गुजारिश करता हूं, ये हमारा कैंपेन जनवरी मंथ में चलने वाला है, तो आज उसका पोस्टर भी हम रिलीज करने वाले हैं। तो हमारे लीडर से आप राबिता को, हमारे से आप हमारे से मुलाकात करो। हमारा एक नया इस बार का एक स्कैनर भी हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके ज़रिए से QR कोड के ज़रिए से भी अगर आप किसी भी इलाके में, कर्नाटक के कोई भी विलेज में क्यों ना हो, वो QR कोड के ज़रिए से अगर आप स्कैन करके एक मैसेज भेजेंगे, विद इन ए 24 आवर्स हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे लीडर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये भी एक मौका है, इसको भी आप इस्तेमाल। कांग्रेस के पीछे जाएंगे तो हम अपने आप को खुदकुशी करने के मुनाफिक हो जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस थी 1992 में वादा करी थी PV नरसिम्हराव, कांग्रेस के वक्त के प्राइम मिनिस्टर। बाबरी मस्जिद को जो आपकी शहीद किया गया है, हम वहीं पर रिबिल्ड करेंगे। क्या हुआ? आज तक रिबिल्ड नहीं हुआ। PV नरसिम्हराव भी दुनिया से चला गया। आज वही कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है? राम मंदिर का देन कांग्रेस का देन है, बिल्कुल देन है, क्योंकि राजीव गांधी ही उसका ताला ओपन किया था। तो सेम सिचुएशन, ये जो रिजर्वेशन रिस्टोर करेंगे बोल के बोले थे, आज ये क्यों नहीं दे रहे मालूम? BJP की IT सेल के प्रोपोगंडा को डर कर ये नहीं कर रहे। अगर इनको करने का इरादा भी है तो इनके जो आज कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, ये एक पैंतरा फेंकेंगे। अगर आप ये करेंगे तो BJP उसको वाबिला मचाएगी। यही सिद्धरामैया साहब बच्चियों के हिजाब के बारे में मैसूर में स्टेटमेंट दिए, 12 घंटे विद इन ए 12 आवर यू टर्न मार दिए। क्यों? क्योंकि BJP वाबिला मचा दी। तो हमें भी बेंगलुरु से लेकर बेलगाम तक तकरीबन 6 दिन का हम जाता किए थे, ये ही डिमांड को रखते हुए। जो सुवर्णा विकास सौदा में जो विंटर सेशन चला था, हम वहीं पर हमारे डिमांड को लेके गए थे। तो तब आकर एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आके हमारे अहवाल को लेकर, नहीं हम इसके बारे में गौर फिक्र करेंगे, ये बात बता के गए, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये कांग्रेस धोखा ही देते आई है माइनॉरिटी को, कभी भी ये इनके हुकूक को नहीं देगी, ये हुकूक को छीन के लेना पड़ेगा। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये भी आपको वाजे कर रहे हैं, अगर आप ये 2B रिजर्वेशन रिस्टोर नहीं करेंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको खड़ारा जवाब ये कम्युनिटी देगी। याद रखो, खड़ारा जवाब देगी, क्योंकि ये कम्युनिटी के वोट क्या है, उसका पावर कितना है, ये अवेयरनेस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिला रही है। आपको पता है, मालूम है, लास्ट असेंबली इलेक्शन में इन मासों के आपके पार्टी को हम तायद किए, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी तायद करे, आप उसका सिला क्या दिए? क्या सिला दिए? धोखा दिए। ये धोखेबाजी की सियासत को छोड़ो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। पार्लियामेंट इलेक्शन में आप हमारे घरों को, दहलीजों को वोट मांगने आएंगे तो घर का हर एक बच्चा पूछेगा, कहाँ गया हमारा रिजर्वेशन, कहाँ गए आपके वादे, कहाँ गया 10,000 करोड़ बजट, ये आपको जरूर क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। हिजाब बैन पे भी सिद्धरामैया ने जो अभी बोला, आपने यू टर्न ले लिया है, क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका MP इलेक्शन के रिगार्डिंग? बिल्कुल, उनको अभी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ भी करो या मत करो, इनके वोट फ्री में आने वाले हैं।
होलसेल में आने वाले हैं, इनको बस एक स्टेटमेंट दे दिए तो काफी है। ये सिद्धरामैया बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर ये स्टेटमेंट दिए हैं, हमारा मानना ये है। अगर वो अगर ये तरीके की सियासत करेंगे तो उसके मद्दे मुकाबिल हमारी कम्युनिटी इसके बारे में सोचना है। अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट यही असेंबली इलेक्शन में लैपटॉप पकड़ कर आने वाले हमारे मस्जिदों में, मदरसों में, मुस्लिम मोहल्लों में आकर, नहीं बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस आ गया तो पूरा सही हो जाएगा बोल के वादा करने वाले, कहां गए ठेकेदार? आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आज आप क्यों नहीं पूछ रहे सिद्धरामैया को हिजाब के बारे में स्टेटमेंट देकर विद इन ये 12 आवर यू टर्न मारता है, ये क्यों आप धोखा दे रहे हैं बोल के पूछने वाले कहां गए? तो हमें एक नई मुहिम भी छेड़ रहे हैं, January 10-15 कर्नाटक के सभी मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलसी हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हम, यानी इनके घर में ही, इनके घर यानी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हम मुंह खोलो छुपी साजो छुपी मत करो मुंह खोलो बोल के कैंपेन हम चला रहे हैं। बात करो कम से कम, किसके लिए डर रहे हैं आप? जाके एक दिन जवाब देना है, किसके लिए डर रहे हैं? हाईकमांड के लिए डर रहे हैं? नोटिस के लिए डर रहे हैं? अरे लात मारता हूं मैं इसी सियासत को, इसे एमएलए गिरी को जो अपने अपने जमीर को धोखा देते हुए आप सियासत कर रहे हैं। हमें मालूम है आपके दिल में ये बात खटखटा रही है, क्योंकि हमारे बच्चियों के हिजाब के मसले में, हमारे माइनॉरिटी बजट के विषय में, हमारे टू बी रिजर्वेशन के बारे में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बात नहीं करती, बोले तो आप वहां पर क्या करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव होकर जीत के आए हैं? बात करो कम से कम, आपके जमीर को ललकारने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर आपको सहारा चाहिए तो एसडीपी का सहारा ले लो, आपको डर होती है हम आपके हक में खड़ेंगे, लेकिन आप कम्युनिटी के ताईद में खड़ो, कम्युनिटी के हकूक के लिए आवाज उठाओ, ये भी हम मैसेज दे रहे हैं। यही जनवरी में 10-15 तारीख तक कर्नाटक के सभी खास करके मुस्लिम एमएलए के घर के सामने, यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हम प्रोटेस्ट करने का भी डिसीजन लिए हैं। आने वाले एमपी इलेक्शंस में आप लोगों का क्या रहा है? इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे आप? आने वाले एमपी इलेक्शन के बारे में हमें ऑलरेडी डिस्कशन शुरू किए हैं, हमारा जहां स्ट्रांग होल्ड है वहां पर हमारा वर्क शुरू हो चुका है। और रही बात इंडिया अलायंस की, ये इंडिया अलायंस कितने देर चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितनी दूर सफ़र करेगा, ये तो वक्त की बताना है, क्योंकि अलायंस अगर रहता तो जो लास्ट पांच स्टेटों में इलेक्शन चले वहाँ पर वो एक लीडरशिप को प्रूव करना था, वहाँ पर कोई इंडिया अलायंस के पार्टनर एकजुट होकर काम नहीं करे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर फिस्ताई बीजेपी जैसी फिस्ताई ताकत को हराना है तो सभी सेक्युलर पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म में आना है, इंडिया अलायंस मजबूत होना है, तो फैजिज्म को आइडियोलॉजिकली आपोस करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को शामिल करना था, लेकिन आपने नहीं किया, हमें कोई दो राय नहीं, आप करो या ना करो हमारा काम हम करते जाएंगे, अगर मौका मिलेगा तो इंडिया अलायंस अगर मजबूत हुआ तो फिस्ताई ताकत को हराने का एक मौका है। अभी भी हम इंडिया अलायंस के लीडर से हम ये गुजारिश करते हैं, आपसी आपके जो डिफरेंसेस है उसको अपने घर में रखो, यहां पर एक कॉज के लिए, ये फैजिज्म को हराना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त के नजाकत को समझकर अगर आप एक पॉजिटिवली स्टेप रखेंगे तो एसडीपीए भी उसमें हाथ जोड़ने के लिए तैयार है, वरना हमारा काम तो हम करते ही रहेंगे। ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये लड़ाई में हम आपसी हमारे जो डिफरेंसेस है वो ला के डाले तो ये फिस्ताई ताकत को हरा नहीं सकते, हम तो हमारा काम करते आगे जाएंगे, वेट एंड वॉच सी क्या होने वाला है। कर्नाटक के 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमारा होमवर्क चल रहा है, अभी हमारा बूथ लेवल का स्ट्रेटजी हमारी शुरू हो चुकी है, जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे तब हम अलग ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कहां पर हमारे नुमाइंदों को हम फील्ड में उतारने वाले हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट में जॉइन एसडीपीआई बोलकर कैंपेन शुरू की है, हर साल हमारा ये मेंबरशिप कैंपेन होता है फरवरी के या जनवरी के महीने में, इस बार जनवरी 2024 में 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमारा ये मेंबरशिप कैंपेन चालू हो चुका है। जो भी लोग जो नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अपने महल्ले में, अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जो पॉलिटिकल वर्क करना चाह रहे हैं, उन लोगों से
अदमन रिक्वेस्ट है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक आइडियोलॉजी बेस्ड तरीके से, एक टीम वर्क से हम पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। आपको जिस तरह एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, हमें भी आप जैसे एक्टिविस्ट, आप जैसे अच्छे लोग जो ज़मीनी सतह पर उतर कर लोगों की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, हम अगर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं आप सभी से, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो ये जनवरी मंथ में जो ज्वाइन SDPI कैंपेन चल रहा है, बहुत सिंपल तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। SDPI के लीडर्स या वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर हमारा QR कोड है, उसको स्कैन करें तो इमीडिएटली 24 आवर्स में हमारे रेस्पेक्टिव जो असेंबली के लीडर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। या तो हमारे जो पैम्पलेट्स हैं, पैम्पलेट्स के पीछे हर असेंबलीज में किसको किसको कॉन्टैक्ट करना उसका नंबर है, डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को कॉन्टैक्ट करने का नंबर है, आसानी से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइडियोलॉजी SDPI की आपको सबको पता है, एक साफ सियासत के लिए, एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब थर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने अल्टरनेटिव बनकर जो आ रही है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। क्योंकि JDS का पता नहीं उसकी कौन सी आइडियोलॉजी है, वो कहाँ जाके काम कर रही है, आप सबको उसके बारे में पता है। तो थर्ड एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह पे, एक अल्टरनेट ताकत की तरह पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके सामने आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है अदबन कि SDPI को ज्वाइन करें। जो भी आपका सवाल है, जवाब है, हम इंशाल्लाह बैठ कर उसको डिस्कस कर आप मुतमईन होकर SDPI में आ सकते हैं। तो और एक मरतबा, जो भी महल्ले में, अपने शहरों में, अपने ग्राम पंचायत विलेजेस में जो काम कर रहे हैं, खासकर सेडम, अलंद, चितापुर, चिंचोली, जो असेंबली लेवल्स हैं, वहाँ के यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि SDPI को ज्वाइन करें। इस प्लेटफॉर्म को आप अपने असेंबलीज में ले जाकर काम करने की कोशिश करें। शुक्रिया। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.